हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्रुप में। टुडे डिस्कस बिहार पब्लिक सर्विस के लिए सर्वे सर्वे के जो एमसीक्यू है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल और शेयर कीजिए, ओके। और ये बिहार पब्लिक के लिए और राजस्थान पब्लिक सर्विस के लिए दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट जो होता है ग्राउंड स्लोप किससे मेजर करते हैं, ग्राउंड स्लोप हम क्लिनोमीटर से मेजर करते हैं। ये एसएससी जेई में कई बार पूछ सकता है और डीएमआरसी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री एंगल मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करते हैं मोस्टली, ऑप्टिकल स्क्वायर से जो एंगल बनता है दो मिरर इमेज के जो 45 डिग्री का बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्केल इज द लॉन्गेस्ट स्केल, तो इसका आंसर है बी। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई, बहुत बार एसएससी जेई में एग्जाम में पूछ जा चुका है और उसके बाद कई एग्जाम में पूछा है, जैसे आरपीएससी, बीपीएससी और एमपी के एग्जाम में पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो होता है इसका वर्क होल्ड पार्ट, मतलब पहले हम फील्ड में मेजर करते हैं फिर पेपर पे उसको हम इस्टीमेट करते हैं, इससे एरर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। एसएससी, ईएस और गेट में ये कई बार पूछ सकता है, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा आने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट के लिए पेसिंग, पासोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओडोमीटर हम ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं जो स्पीड मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर भी उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, ओके। टेकोमीटर इक्वेशन क्या होता है, डी इक्वल टू के इन टू एस, के होता है मल्टीपल कॉन्स्टेंट जो अंडर के होता है, एफ बाई आई सी होता है, एफ प्लस डी जो रिलेटिव कॉन्स्टेंट होता है जीरो देते हैं, कभी कभी सी का वैल्यू 0.6, 0.3 लेते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग के लिए, 0.08, 0.2 के लिए इंटरनल फोकसिंग के लिए कहीं कहीं लेते हैं, ओके। द स्टीरियो मेथड ऑफ टेकोमेट्री यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ओके। दो टेकोमेट्री होता है, तो टेकोमेट्री बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें टेकोमेट्री बहुत कम मिरर और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। और स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी टेकोमेट्री डिस्टेंस मेजर इज 1:1000, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है और डीएमआरसी का बहुत बार पूछता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ टेकोमेट्री कॉमनली यूज इन द फिक्स स्टीरियो सिस्टम, इस फिक्स स्टीरियो सिस्टम जो होता है टेकोमेट्री जो यूज कॉमनली यूज कर देते हैं, मूवेबल स्टीरियो सिस्टम भी यूज करते हैं, बट फिक्स स्टीरियो सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और भी आरपीएससी में पूछता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस में आ सकता है, ओके। द टेक्नोमेट्रिक लेवलिंग इज मेथड ऑफ द जो इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट मेजरमेंट करने से एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे और इसे मेज़र करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट हम मेज़रमेंट करते हैं जो हमारा ट्रैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, टेक्नोमेट्रिक लेवल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द अनलोडिंग और रग ट्रेनिंग, प्लेन और स्लोपिंग के लिए जहाँ स्लोप अप एंड डाउन हो, ऐसे हो, अनलोडिंग हो, जहाँ रफनेस ना हो, रफ ना हो, थोड़ा हो, स्लो होना चाहिए, कभी कहीं ऊंचा, कहीं अप एंड डाउन होना चाहिए, ऐसा होता है, तो दिक्कत मोस्ट फ्रीसी मेथड मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इट वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत ज़्यादा मेजरमेंट इन सर्वे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम करते हैं, लीनियर मेजरमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइसोपार और द लाइन इज द जो होता है जॉइनिंग इक्वल चेंज इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ट्रू वेरिएंट और मैग्नेटिक वेरिएंट के बीच में बनता है, ओके, जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फ्लिंट डबल इंस्ट्रूमेंट इज द फाइंड द हॉरिजॉन्टल विदाउट एक्चुअल टेलीस्कोप ले। अरे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसे रट जाओ, जितने क्वेश्चन है सारे रट जाओ, क्योंकि उसमें कुछ समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग सीधा आंसर टिक करके आ जाओगे, आपका ग्रेड सही हो जाएगा। और थैंक यू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल सिविल इंजीनियर VPSC पब्लिक सर्विस ऑफ दूर नहीं, बट मेरा वीडियो देखते रहो, आपका BPSC क्लियर और BSC आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वॉल्स और बेल आइकन।